जिस थाने में आरक्षक थे उसी थाने में लॉकअप में रात बितानी पड़ी और फिर अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ कोर्ट में पेशी के लिए जाना पड़ा। ये माजरा दरअसल जहरीली शराब कांड के आरोपियों को पेश करने के दौरान उज्जैन के खाराकुआ थाना में उस समय देखने को मिला जब जहरीली शराब कांड के 3 मुख्य आरोपियों सहित अन्य आरोपियों को आज पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा गया। दरअसल जहरीली शराब कांड में प्रशासनिक तौर पर 12 मौत अब तक हुई है। ऐसे में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों सहित खाराकुआ थाने के 2 आरक्षकों को भी आरोपी बनाया है। अन्य आरोपी जिन्होंने स्प्रिट सहित शराब सप्लाई करने में भूमिका निभाई है उन लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। 12 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने 13 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें आज 12 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने से पहले थाने से मेडिकल कराने के लिए भेजा। इस दौरान इस पूरे मामले में 3 मुख्य आरोपियों सहित 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अभी तक जो जहरीली शराब पीने से थाना क्षेत्र में जो मृत्यु हुई थी उस पर दर्ज अपराध में हम लोगों ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। 12 लोगों में गब्बर यूनुस, शेख फारूक, जितेंद्र मुकाती, रामलखन यादव, इरशाद कुरैसी, सैयद फरासत, नवाज शरीफ, शेख अनवर, संजय शर्मा, रुपेश सिकंदर, 11 लोगों को हम न्यायालय पेश कर रहे हैं और आज इनका जुडिशल रिमांड लेने का प्रयास करेंगे, इनको जेल भेज दिया जाए, इनकी अभी अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। यस, हम लोगों ने इस प्रकरण का अनुसंधान सूक्ष्मता से किया है वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और जो जहरीली शराब बनाने में केमिकल उपयोग किया गया था उस इंडस्ट्री पर भी हमने रेड करी है और वहाँ से उस इंडस्ट्री से जो सैंपल हमको आवश्यकता थी वो हमने सैंपल भी बरामद किया है और वहाँ के लोगों को भी हमने आरोपी बनाया है। सर, इसी थाने के तो आरक्षक भी पकड़ा है, उनकी क्या भूमिका थी इस पूरे प्रकरण में? आरक्षक की भूमिका आरोपियों को सैनिटाइजर वाला केमिकल उपलब्ध कराने की भूमिका रही है।